रुद्रप्रयाग जिले के तला नागपुर पट्टी का राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता का भवन निर्माण का कार्य 3 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। भवन निर्माण का स्ट्रक्चर तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अब वन विभाग ने निर्माण कार्य को यह कहकर रुकवा दिया है कि जिस जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा है वह जमीन विभाग के नाम हस्तांतरित नहीं हुई है, जिसके चलते निर्माण कार्य पिछले 3 वर्षों से ठप पड़ा हुआ है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि वन भूमि हस्तांतरण की फाइल जिला स्तर से पूरी कर शासन को भेज दी गई है और जल्दी ही लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सरकारी विभागों में आपसी सामंजस्य न होने के कारण पॉलिटेक्निक भवन निर्माण का कार्य अधर में लटका हुआ है। भवन निर्माण न होने से आधा अधूरा स्ट्रक्चर तो जंग खा ही रहा है, साथ ही किराए के भवन पर पढ़ने में मजबूर हो रहे बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी निश्चित तौर पर रुद्रप्रयाग जिले के तला नागपुर क्षेत्र में पॉलिटेक्निक का निर्माण कार्य सन 2015 में शुरू हुआ था और जब अब सन 2018 में इसके 90% कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन वन विभाग के द्वारा अब रोड़ा अटकाया गया है लैंड ट्रांसफर को लेकर। कहीं ना कहीं ये जो विभागों के बीच का समन्वय है, समन्वय की कमी ये देखी जा रही है, जिससे जो क्षेत्र है और जो वहाँ के पॉलिटेक्निक के छात्र हैं उनके भविष्य के साथ फॉरेस्ट के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। जब असल दोनों विभागों का आपस में सामंजस्य नहीं बन पाया था, वैसे तो वो वन विभाग ने ज़्यादा उसमें अड़ंगा लगाया, क्योंकि वो जो है ग्राम पंचायत का वनभूमि थी और वन पंचायत है। उस वक्त जब उसका आंकलन हुआ था, जब उसका एस्टिमेट बन रहा था, उसमें सर्वे हुई, उस वक्त तो वन विभाग सोया रहा, लेकिन जब 3.5 करोड़ रुपया उस पर अवमुक्त हो गया और निर्माणदायी संस्था को काम दे दिया गया, जब उस पर 1.15 करोड़ उन्होंने खर्च भी कर दिए, तब जा करके वन विभाग ने उस पर टांग अड़ाई की है। और अभी तक जो अद्यतन हमको सूचना मिली है, वन एवं पर्यावरण सचिवालय सचिव के पास वो फाइल और वन सचिव के पास वो फाइल पड़ी हुई है, जबकि शासन ने उसको ऑनलाइन भी मंगवाया था। और ये मैं शासन को भी इसमें दोषी मानता हूँ, शासन प्रशासन को दोनों को दोषी मानता हूँ कि इतने लंबे समय के बाद भी अभी तक उनमें उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज आलम यह है कि 1-2 कमरों में इतने बच्चे ठूस रखे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो प्रैक्टिकल होते हैं उसके लिए उन बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। इसमें देखिए, जो पॉलिटेक्निक चोपता का जो भवन था, उसमें पूर्व में जब इसका निर्माण हुआ था तो उस समय लैंड ट्रांसफर फॉरेस्ट का नहीं किया गया था। बीच में जब फॉरेस्ट के अधिकारियों द्वारा इसका स्पॉट इंस्पेक्शन किया गया तो उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, उसके पश्चात हम लोगों ने इसमें फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर का केस इनिशिएट किया। फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर केस इनिशिएट होने के बाद ये DFO स्तर से और आगे स्तरों से होते हुए राज्य सरकार के पास गया हुआ है, तो इसमें हम लोग भी और अन्य जनप्रतिनिधि भी इसमें लगातार मांग कर रहे हैं। तो शासन में मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर इसमें लैंड ट्रांसफर का जीओ जारी हो जाएगा और लैंड ट्रांसफर होने के पश्चात तत्काल इसमें हम लोग निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो उत्तराखंड न्यूज, रुद्रप्रयाग।